उड़ीसा सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि इसको पहले कांग्रेस के नेताओं ने लूटा और फिर 25 साल बीजेडी के नेता लूट रहे हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा में अरे नई इंडस्ट्री तो छोड़िए, पहले जो यहां इंडस्ट्री लगी थी वो भी बंद हो गई। सालों साल यहां सड़कें नहीं बनी, रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी बन ही नहीं पाई। जो काम हुए हैं उनमें से ज्यादा काम बीते 10 साल में भाजपा सरकार ने किए हैं। आपको याद होगा यहां नीलगिरी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती थी, तो ये हमारे सारंगी जी को आपने चुना और आज ट्रेन चल रही है। आज उड़ीसा के अनेक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही यहां के जो इतने अच्छे बीच हैं इनके कायाकल्प करने पर काम शुरू होगा। उड़ीसा में तीर्थ यात्रा और समुद्री पर्यटन की हर संभावनाओं को तलाशा जाएगा, तराशा भी जाएगा।